मैं अर्चना अनुराधा, मेरे इंस्टीट्यूट में जो सारे स्टूडेंट्स, जो सारे बच्चे सीखते हैं, उनके साथ कुछ प्रस्तुत करना चाहूंगी। इसकी शुरुआत हम करेंगे गणेश वंदना से। शास्त्र कहता है शिव से पहले गणेश, और पुराणों में शिव से जन्म है गणेश जी का। तो आज इसी का आधार लेकर हम लोग शिव वंदना के पश्चात गणेश वंदना करेंगे। इसकी वजह ये थी, हर साल मुंबई में गुरुजी एक रेसिडेंशियल वर्कशॉप करते हैं 5 दिनों का, और हर साल मैं अपने सारे शिष्यों के साथ वहाँ रहती हूँ, बहुत कुछ सीखते हैं। और यहाँ आकर कई बार यह एहसास होता है कि शायद भूल गए, ये ठीक नहीं होगा, ये सोचकर एक कोशिश कर रही हूँ। इस साल हमारे प्रस्तुति की शुरुआत ही इसी वर्कशॉप में, इसी कार्यशाला में जो गुरुजी ने गणेश वंदना हमें सिखाई, उसी से हम करेंगे। उसके पश्चात मेरी ये कोशिश हर साल रहती है कि गुरुजी के लिए जब हम गुरु पूर्णिमा की प्रस्तुत करें तो कुछ ऐसा हो जो हम अपने सिरे से बनाकर उन्हें समर्पित करें। विचारों से आचार बनता है, एबीसीडी से वाक्य बनता है। सारी एबीसीडी तो उन्हीं से पाई है, तो जो हम बनाएंगे, जो कुछ कोशिशें करेंगे, वो भी उन्हीं में उन्हीं का समर्पित है। ताल एक ताल में एक तराना, जो यहाँ बैठे मनोज देसाई जी का अपना कंपोजिशन है। गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में हर किसी की शामिल होने की इच्छा होती है। हमारी श्रावणी को भी नाचना था, किसी वजह से नहीं नाच पाई, तो उसे पढ़ंत का जिम्मा सौंप दिया है। श्रावणी महर्षि कुछ साल मेरे पास सीखने के बाद कथक केंद्र में गुरुजी से सीखने का सौभाग्य मिला। अभी पुनः एक बार पूना में प्रस्तुत है गणेश वंदना मधुरिता सारंग स्कूल ऑफ कथक की ओर से। सदा विमुक्ति साधकम्।
तो निराश।